हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो सिक्स क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। रीटा ए से बी पॉइंट की तरफ जाती है 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि 20 किलोमीटर का वो डिस्टेंस कवर करती है ईस्ट की तरफ, और ये ए से बी पॉइंट की तरफ गई है। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, और अब बी पॉइंट से वो 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ आती है अलोंग द सेम रोड, उसी रोड पे। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। अब हमसे कहा गया है कि ईस्ट की तरफ जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसे तो हम पॉजिटिव इंटीजर से शो करेंगे। Then how will you represent the distance traveled towards west? तो west की तरफ जाने का जो distance है वो कैसे represent करेंगे, क्या वो positive होगा या negative होगा? तो आप याद रखिएगा कि east और west एक दूसरे के opposite होते हैं, तो अगर east वाली direction में तय किया गया distance अगर positive है तो west की तरफ चला गया distance obviously बात है negative होगा। By which integer will you represent her final position from A? और उसके बाद हमसे कहा गया है कि हमें ये पता करना है कि जो final position है रीटा की point A से, original position से जहां से वो starting में चली थी, अब वो जो answer हमारा आएगा वो किस तरीके का integer होगा answer में, वो negative होगा या positive होगा, यानी final position का sign भी हमें बताना है। तो यहाँ पर ये डायग्राम भी आपके बुक में आपको गिवन है स्टूडेंट्स, बस एक डिफरेंस ये है कि वहां पर ये सी पॉइंट गिवन नहीं है, ये हमने इसलिए बनाया है कि आपके लिए क्वेश्चन समझना और सोल्व करना इजी हो जाए। देखिए ये एक रोड है, ठीक है, जिसपे ये वाली साइड, ये जो डायरेक्शन है ईस्ट है और ये वाली डायरेक्शन है वेस्ट। रीटा ए से चलती है और ईस्ट की तरफ जाती है 20 किलोमीटर ए से बी तक। कितना डिस्टेंस कवर किया स्टूडेंट्स, 20 किलोमीटर। अब यहां से इसी रोड से रीटा वापस आती है, कितना आती है वेस्ट की तरफ आती है 30 किलोमीटर। देखिए रीटा बी से इस पॉइंट सी तक आई 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके। अब हमें फाइनली बताना है कि ये फाइनल पोजीशन क्या है, यानी ये सी पॉइंट है ये ए से कितना दूर है। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं हमें सी ए, यानी कि ए से सी का डिस्टेंस निकालना है, और बाद में हमें ये भी चेक करना है कि उसका साइन क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें एक क्वेश्चन तो पहले यही था कि अगर ईस्ट की तरफ का डिस्टेंस पॉजिटिव इंटीजर है तो वेस्ट की तरफ का इंटीजर क्या होगा। तो हमने यहां पर लिखा है द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। हमें गिवन है कि ईस्ट की तरफ का डिस्टेंस पॉजिटिव है, तो जो वेस्ट होता है स्टूडेंट्स वो ईस्ट का अपोजिट होता है, तो वेस्ट की तरफ का जो डिस्टेंस कवर होगा वो नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। वही हमने लिखा है द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाता है इस केस में जो ट्रेवल किया जाएगा विल बी रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, हम उसे नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हमने लिखा डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। देखिए ए से बी तक रीटा ने कितना डिस्टेंस कवर किया था 20 किलोमीटर, हमने 20 किलोमीटर लिखा। फिर डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, बी से सी तक रीटा कितना गई 30 किलोमीटर। देखिए स्टूडेंट्स इस डिस्टेंस को अभी हमने नेगेटिव साइन के साथ नहीं लिखा है, हमने सिंपली जैसे वैल्यूज गिवन थी इन दोनों जगह पर सिंपली वैसे वैल्यूज रख दी है, ए से बी तक 20 किलोमीटर, बी से सी तक 30 किलोमीटर। देखिए बी से सी तक 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ये जो नेगेटिव इंटीजर के साथ हमें इसको शो करना है, ये जो बी से सी है जो कि वो वेस्ट की तरफ आई है, ये नेगेटिव इंटीजर हम शो करेंगे कैलकुलेशन के टाइम पर, अभी सिंपली जैसे इंफॉर्मेशन गिवन थी वैसी हमने रख दी। अब देखिए डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी हमें निकालना है, ए से सी तक का डिस्टेंस। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, देखिए रीटा यहां से चली बी तक गई 20 किलोमीटर, जब रीटा वापस आ रही होगी तो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया स्टूडेंट्स 30 किलोमीटर, लेकिन जब वो वापस आ रही होगी तो 20 किलोमीटर पे आके वो वापस इसी पॉइंट पर आ गई होगी। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट को जीरो कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि उसने जीरो से ही तो स्टार्ट किया था, अगर आप इसे जीरो कंसीडर करें तो पहले वो 20 किलोमीटर इधर गई और जब वापस आ रही थी तो 20 किलोमीटर वापस आने पे वो वापस इसी पॉइंट पर आ गई। ठीक है, अब उसके बाद वो 10 किलोमीटर और लेफ्ट की तरफ गई। अब जीरो से अगर आप लेफ्ट की तरफ आते हैं तो इंटीजर क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, इंटीजर नेगेटिव हो जाते हैं, यानी जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो नेगेटिव इंटीजर के साथ होगा क्योंकि वो इस पॉइंट से लेफ्ट की तरफ है और वो वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, और यहां पर ईस्ट में अगर पॉजिटिव हम रख रहे हैं इंटीजर तो वेस्ट
लेफ्ट डायरेक्शन वाले को क्या रखेंगे, नेगेटिव, तो हमारा ये आंसर माइनस में आएगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा। अब देखिए डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, हमें ए से सी तक का डिस्टेंस निकालना है, तो पहले तो ये डिस्टेंस रखेंगे जो इसने इधर कवर किया 20 किलोमीटर, ये हमने लिखा, उसमें से माइनस कर देंगे 30 किलोमीटर जो ये वापस आई। ठीक है, देखिए अब जो ये 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो वेस्ट की तरफ तय किया गया, आप देखिए उसमें नेगेटिव इंटीजर आ गया, हमने नेगेटिव इंटीजर ही यूज किया है क्योंकि वो वेस्ट की तरफ आ रहा है, ईस्ट की तरफ जाने वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, वेस्ट की तरफ आने वाला नेगेटिव, तो जितना वो ईस्ट की तरफ गई वो डिस्टेंस रखा माइनस, जितना वो वेस्ट की तरफ गई वो नेगेटिव इंटीजर के साथ 30 आ गया। अब एक टर्म पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये आपस में माइनस होंगे, 30 में से 20 माइनस करेंगे 10 आएगा, बड़े नंबर का साइन, 30 का साइन नेगेटिव है, तो आंसर आया नेगेटिव। अब ये डिस्टेंस देखिए ए से लेफ्ट की तरफ है, यानी कि डिस्टेंस नेगेटिव रहेगा, तो हम फाइनली लिख सकते हैं रीटास फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल टू -10 किलोमीटर। रीटा की जो फाइनल पोजीशन है ए से सी तक, स्टार्टिंग पोजीशन से जो फाइनल पोजीशन है वहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है स्टूडेंट्स, -10 किलोमीटर। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।